नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी फ्रेंड, आरआरबी जेई 2018 से बहुत बड़ी ऑफिशियल नोटिस आ रही है। जी फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस नोटिस फॉर द कैंडिडेट। जी फ्रेंड, अटेंशन फॉर द कैंडिडेट, जो जो कैंडिडेट जेई भर्ती में शामिल आप लोग के लिए बहुत ही अटेंशन वाली बात है। जी फ्रेंड्स, आप लोग के लिए एक नोटिस आया है। जी फ्रेंड, जो जो A3 मेडिकल फिटनेस उसका बारे में ये डिटेल है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होने। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इससे पहले फ्रेंड्स, चैनल को नए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको रेगुलर इंटरव्यू मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की ओर। ऑफिशियल नोटिस देखने के सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं मैं आपको आ गया हूँ। जैसे ही आएंगे तो फ्रेंड्स, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना। जी हाँ फ्रेंड, जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन देखिएगा, 8 तारीख के दिन में, सॉरी फ्रेंड, 18 तारीख की डेट में दो अपडेट आए। देख सकते हैं सेल नंबर 03/2018 यानी JEE से अपडेट आई है, और एक अपडेट आई है सेल नंबर 01/2018 यानी ALP और टेक्नीशियन से अपडेट आई। चलिए फ्रेंड, JEE वाली अपडेट को हम लोग क्लिक करके चेक कर लेते हैं क्या उसके बाद हम ALP वाले पे आएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर लिया। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं तो अटेंशन टू द कैंडिडेट, तो अटेंशन ये कैंडिडेट को देने वाला, किन कैंडिडेट को, जो JEE भर्ती में शामिल है यानी 03/2018 वाले भर्ती में। तो चलिए क्या है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टू रेलवे हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन A3। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कुछ दिन पहले यानी 16 तारीख का एक नोटिस आया था कि जो A3 कैंडिडेट, जो B1 और C1 कैंडिडेट जो पास हैं, उनके A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड करवाना। जो वो A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड में पास हो जाते हैं तो उनके A3 के मेडिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो जॉब, उस जॉब में उनको शामिल किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिस है कि जो जो कैंडिडेट्स फ्रेंड्स A3 मेडिकल स्टैंडर्ड अपना करवाने आ रहे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर, यहाँ पे RRB ने मेंशन किया। देखिए, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आप लोग क्या लाना, 4 कॉपी ऑफ फोटो ब्रॉट बाय देम ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन RRB, 4 कॉपी जो आप लोगों को फोटो को लेके जाना। देख सकते हो 4 कॉपीज ऑफ फोटो ब्रॉट बाय देम ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो फोटो लेके है तो उसके 4 कॉपी लेके जाना है, और फ्रेंड्स ओरिजिनल जो ID आप लोग को लेके जाना है। ये 2 डॉक्यूमेंट आप लोग को जो है मेडिकल के लिए जाएंगे A3 वाले करवाने के लिए, तो आप लोग ये दोनों डॉक्यूमेंट आप लोग को प्रॉपर लेके जाना है। चलिए फ्रेंड, आप देख लेते हैं कि 16 तारीख की बात हो रही, 16 तारीख क्या नोटिस आया था। तो देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे ही आप लोग बैक पैन देखिए, 03/2018 या 16 तारीख की ये नोटिस है, इसके रिगार्डिंग ये नोटिस। चलिए इस नोटिस को क्लिक कर लेते हैं। इस नोटिस में क्या मेंशन किया था, क्लिक केयर फॉर इंपॉर्टेंट नोटिस। चलिए इस नोटिस को डाउनलोड कर दें। इस नोटिस में क्या आप लोग को देखने को मिला था, तो देखिए जो आज वाली नोटिस, इस नोटिस की रिगार्डिंग जो नोटिस आई थी, इस मतलब इस नोटिस की बात हो रही, क्योंकि ये 16 तारीख के डेट में आए थे। देख सकते हैं आप लोग को, जो जो फ्रेंड्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल रिजल्ट, जो JEE का जो फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे थे, इसमें ये साबित पाया गया था जो 107 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड फिट है, तो उनका कंसिडरेशन लेने के लिए इनका A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड करवाया जा रहा है इन 107 कैंडिडेट का, ताकि जो इन 107 मेडिकल स्टैंडर्ड जो पदे खाली है, इन कैंडिडेट को दे दिया जाए। तो इन्हीं कैंडिडेट के लिए नोटिस था कि आप लोग को मान ली जाना था 4 फोटोकॉपी लेके जाना और अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना। तो इस रिगार्डिंग यानी इस वाले के लिए वो नोटिस दिया गया था, जो कि 16 तारीख की ये नोटिस आप लोग को आया था। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लोको पायलट के हिसाब से, इसके रिगार्डिंग क्या नोटिस आज के डेट में, चलिए उसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक बार। तो चलिए फिर बैक पैक, तो फ्रेंड जैक बैक पैक, तो देखिए आप लोग को 18 तारीख के डेट में देखिए सेल नंबर 01/2018 से रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर देखिए क्या, क्लिक हियर फॉर क्वेरी रेजेंडम टू फाइनल पैनल ऑफ सेल नंबर 01/2018 यानी ALP और टेक्नीशियन के लिए, जो को पब्लिश हुआ था 13/12 के रिगार्डिंग ये पब्लिश हुआ, तो इसके रिगार्डिंग कोरिडेंडम। चलिए इस नोटिस को देख लेते हो क्या कोरिडेंडम इसके रिगार्डिंग आप लोगों को देखने को मिलता है। चलिए इसको नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, जैसा कि मैंने ये नोटिस भी डाउनलोड कर लिया, देख सकते हैं कोरी जेंडम टू फाइनल पैनल ऑफ सेल नंबर 01/2018 अगेंस्ट ALP टेक्नीशियन पब्लिश, जो कि पब्लिश हुआ था ALP पैनल का लिस्ट, जो कि 13/12/2020 को एक लिस्ट पैनल हुआ था जो कि ALP टेक्नीशियन का था, उसी पैनल के रिगार्डिंग ये नोटिस। थोड़ा मैं जूम कर लूँ ताकि आप क्लियर देख सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सही रहेगा। तो देखिए क्या इसमें मेंशन किया हुआ, फॉलोइंग चेंजेस आर मेड, ये कुछ चेंजेस इसमें किया गया। चलिए देखते हैं क्या, इन इम्पैनलमेंट इम्पैनलमेंट ऑफ अंडर मेंशन कैंडिडेट फॉर ओनली कैटेगरी नंबर, यानी कैटेगरी नंबर जो 66 यानी 66 है, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे को यह पैनल सेंड किया था, उस पैनल में ये चेंजमेंट पाया गया कि जो फ्रेंड ये देखिए सीरियल नंबर 1 ये कैंडिडेट को रोल नंबर, जो कि फ्रेंड्स अर्लियर इनको जो है SC कैंडिडेट है, जो कि कैटेगरी नंबर 66 WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे में था, जो कि नॉट शॉर्टलिस्टेड ना, मतलब जो नील, अब इनको शॉर्टलिस्ट के नहीं किया, पहले इनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था। उनका रिमार्क देखिए क्या है,
इनको देखिए पैनल से रिमूव कर दिया, देख सकते हैं रिमूव फ्रॉम द पैनल ड्यू टू नॉट हैविंग रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी ये कैंडिडेट जो था इनका रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो इनको जो है पैनल से रिमूव कर दिया गया है। और इन कैंडिडेट की जगह जो इनकी जगह एक सीट खाली हुई, तो इस कैंडिडेट जो बियरिंग रोल नंबर, यानी ये जो कैंडिडेट का रोल नंबर है, इनको फ्रेंड्स इसमें नील करके, और ये जो पोस्ट यहाँ पे खाली था ये पोस्ट इनको, ये वाला पोस्ट जो है इनको इन कैंडिडेट को दे दिया, जो कि SC कैंडिडेट है कैटेगरी नंबर 63 वेस्ट सेंट्रल रेलवे को, ये पोस्ट इनको दे दिया इन कैंडिडेट से छीन के, क्योंकि इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड फिट पाया गया था, ये जो मतलब जैसे कि फ्रेंड्स उसमें मेंशन किया था वैकेंसी में कि जो आप लोग मेडिकल स्टैंडर्ड या जो फर्दर प्रोसेस है ये प्रोविजनल, इसको कभी भी कैंसिल किया जाए, तो उसी आधार पर फिर इनको कैंसिल किया गया, क्योंकि जो उनका मेडिकल स्टैंडर्ड उस समय तो फिट था, लेकिन और कुछ फर्दर प्रोसेस यानी कुछ ऊपर गया तो इनका जो पाया गया कि ये फिट नहीं है, तो इसलिए इनको जो है कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि ये फिट नहीं पाया गया तो इसलिए इनको कैंसिल कर, इसलिए प्रोविजनल पैनल में साफ तौर को लिखा जाता है कि कभी भी जो है पैनल लिस्ट में आप लोगों को जो है कैंसिल कर दिया जा सकता है, तो इस कैंडिडेट को जो पैनल लिस्ट से कैंसिल कर दिया। तो चलिए देख ले तब क्या कट ऑफ कम हो गया, तो जी हाँ फ्रेंड कट ऑफ जो कम हो गया, जैसे उनका पैनल लिस्ट में नाम कम, देख सकते हैं अर्लियर फ्रेंड जब था पैनल लिस्ट में नाम तो उनका 52.43 कट ऑफ था, लेकिन जैसे उनका निकाल कट ऑफ जो कम हो गया, जो कि 50.67, यानी 2 नंबर का जो साफ गिरावट आप लोगों को कट ऑफ में देखने को मिला है। देख सकते हैं कट ऑफ और जो अदर कम्युनिटी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, देख सकते कट ऑफ अदर कम्युनिटीज डज नॉट चेंज, यानी अदर कम्युनिटी में और कुछ में चेंजमेंट नहीं मिला, देख सकते हैं आरबी की तरफ से ये नोटिस आया, आरबी भोपाल की तरफ से, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खबर है आप लोग के लिए, बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, यही छोटी सी नोटिस मैं सोचा आप लोग के लिए अपडेट कर दो, बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार फ्रेंड्स। अब जाते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब इसी तरह के लेटेस्ट रेगुलर इंटरव्यू पर आप लोग वीडियो मिलते रहेगा। चलिए फ्रेंड धन्यवाद।